ध्यान समादरणीय विद्वद्गण उपस्थित सज्जनों और माताएं, आपको अपने दर्शन योग महाविद्यालय के संबंध में अच्छी तरह से जानना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अपना ये दर्शन योग महाविद्यालय चल रहा है, यहां के अधिकारी धनदेव भाई और सभी अधिकारी अपने आचार्य ज्ञानेश्वर जी और सभी स्वामी विवेकानंद इस विद्यालय में जो है बहुत सा बड़ा कार्य हुआ है, उसको जानना चाहिए। हमारे आचार्य जी ने बतलाया कि अब तक लगभग 50 से अधिक ब्रह्मचारी पढ़ के निकले, जो देश और विदेश में कार्य करते, ये जानना चाहिए। अब जो विद्यालय का संचालन चल रहा है, आप सभी इसमें सहयोग दें और इसी प्रकार से ये चलता रहे। सभी अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, सबके कार्य को देख के धन्यवाद करता हूं। अब आप अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के, यहां से विद्वानों का उपदेश सुनकर अपने जीवन को अच्छा बनाए, उत्तम बनाए। सभी को ये जानना चाहिए कि मनुष्य का जीवन सफल कैसे होता है, ये जानना है। आप ये समझने का प्रयास करें,
आपका मनुष्य का जीवन कब सफल माना जाता है ये जानना चाहिए। संसार के भोगों के भोगने मात्र से केवल संपत्ति बढ़ाने से अर्थात मनुष्य का जीवन सफल ईश्वर को जानने से होता है। ये याद करते आप लेखनी रखो कॉपी रखो जो विशेष बातें हैं उनको लिखते जाया करो। आप यहां भाग ले रहे हैं प्रयत्न कर रहे हैं तो उसमें ध्यान से सुनो और ये जान जाओ अच्छे प्रकार से कि मनुष्य का जीवन सफल ईश्वर को जानने से होता और कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाए। अपने इस विद्यालय में ये विद्या पढ़ाई जाती है जिसे मनुष्य महान बन करके ईश्वर को जान सके। मनुष्य अपने जीवन को बनाने के दर्शनों की विद्या वेदों की विद्या पढ़े इसलिए सारा संसार जितना भी है जो कुछ है इसमें दो प्रकार के व्यक्ति जानने चाहिए। एक ईश्वर को मानने वाले और दूसरे लोग ईश्वर को न मानने वाले। ईश्वर को मानने वाले और उसको जानने वाले सफल होते ईश्वर को न जानने वाले न मानने वाले विफल होते ये याद रखिए। आप प्रयास करें ईश्वर को जानने के लिए हमारा ये जीवन है उसमें आप कुछ साधन आचरण करने का प्रयत्न ईश्वर को जानने के लिए आप साधन उपाय को जाने ईश्वर को और ईश्वर के और हमारे अ
अनेक संबंध हैं, उनमें से मैं आपको सात संबंधों को सुनाता हूं। उन सात संबंधों को व्यवहार में लाने से आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर का और हमारा पहला संबंध, संबंध को तो समझते ही होंगे आप, ईश्वर हमारा पिता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं, एक संबंध। ईश्वर का और हमारा दूसरा संबंध, ईश्वर हमारी माता है, हम ईश्वर के पुत्र हैं, ये दूसरा। ईश्वर का और हमारा तीसरा संबंध, ईश्वर हमारा गुरु है, आचार्य है, हम ईश्वर के शिष्य हैं, हमको विद्या देता है ईश्वर, गुरु है। ईश्वर का और हमारा चौथा संबंध, ईश्वर हमारा उपास्य है, अर्थात ईश्वर के हमें उपासना करने वाले, अर्थात वो हमारा उपासने उपास्य। हम उपासक हैं, ईश्वर का और हमारा पांचवा संबंध, ईश्वर हमारा राजा है, हम ईश्वर की प्रजा हैं, ईश्वर का और हमारा छठा संबंध, ईश्वर हमारे बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक है, अंदर भी है और बाहर भी है, हम ईश्वर के व्याप्य हैं, अर्थात आत्मा इतना छोटा सा है, इस शरीर में रहता है, परंतु ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर का और हमारा सातवां संबंध, ईश्वर हमारा स्वामी है, हम ईश्वर के स्व हैं। इन संबंधों को जानने से, इनका व्यवहार में प्रयोग करने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है। इसी के लिए हमारा मनुष्य जन्म है। आपको सफलता मिलेगी ईश्वर की ओर से।
हम जो बल के कार्य करते हैं जो बल है ये याद रखिए, हमारे पास में जो विद्या है सबके पास में जो धन है कुछ भी है याद रखिए, आप स्मरण रखिए वह ईश्वर का है, ईश्वर का दिया हुआ, आपको इससे सफलता मिलेगी। समय ऊपर बोल रहा थोड़ा, अब थोड़ा सा संकेत आगे के करके मैं विराम देता हूं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति को योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास में उपासना के 8 अंग हैं योग, उनको आप पढ़ें और जीवन में लाएं। दर्शनों को पढ़ें और वेदों को पढ़ें, उनको जीवन में लाएं। इसलिए आप सुन करके अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि ईश्वर को जान सके और औरों को भी जना सके।